दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। साथ में जो आप बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ आज का अखबार में दिया हुआ ये आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में दिया हुआ 10वीं और 12वीं के अंतर्गत है ना, अगर इसके अंतर्गत विषय दे रखे हैं तो सभी में पास होना जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि ग्रेस लग गई और साथ में ग्रेस लग के पास हो गए, नौकरी नहीं मिलेगी। सीधी सी बात यहाँ लिखा हुआ है, इसमें जो है 10वीं में 10 तो 12वीं में 6 विषयों में होना, इसमें होना होगा उत्तीर्ण। अब जो सभी विषयों में CBSE और साथ में जो NIOS और साथ में जो इसके अंदर राज्य बोर्डों को इसमें लागू क्रेडिट कर दिया गया। और यहाँ पर बताया गया इसमें जो क्रेडिट जो इसमें होम फ्रेमवर्क के अंतर्गत बताया गया कि यहाँ पर जो केंद्र शिक्षालय मंत्रालय की तरफ से जो है, यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर केंद्र शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है ये जारी कर दिया गया। अब जो है सभी में पास होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं होगा ग्रेस लगा दी, इसका 2 नंबर ग्रेस लग गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है सभी में पास होना जरूरी है। और लगभग जो है ये 10वीं में अब जो है तो 3 भाषाएं होंगी, 12वीं के अंतर्गत जो है ये 6 होंगे विषय, तो सभी में पास होना जरूरी है। और यहाँ पर पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ, एक बार यहाँ पर जो आप ये पढ़ लीजिए, बिल्कुल नहीं चलेगा अब ये जो है ये। और इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसमें जो हाई कोर्ट, इसमें जो है जस्टिस जो है भंसाली जी जो है बने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना, तो यहाँ पर जो राजस्थान हाई कोर्ट के जो है ये जज जो है चीफ जस्टिस हैं ये, तो यहाँ पर जो है चीफ जस्टिस के रूप में जो है ये इलाहाबाद में इन्होंने जो है कार्यभार संभाल लिया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये बताया गया है, तो इन्होंने जो है अरुण भंसाली जी ने जो है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कार्यभार संभाल लिया है। और फिलहाल ये राजस्थान हाईकोर्ट के जो है न्यायाधीश हैं, तो यहाँ पर इसमें हाईकोर्ट में जो है इनको जो है चीफ जस्टिस बना दिया गया। ठीक है, तो एक बार कभी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी जो है GS में, तो प्लीज़ इसको जो है आप क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश लोकसभा की तरफ से जो है ये 2 बड़ी खबर है। यहाँ पर PCS अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी एवं और जो है कट ऑफ का इंतजार, तो यहाँ पर कहने मतलब क्या, उत्तर प्रदेश लोकसभा की तरफ से जो UPSC की तरफ से 2023 के जो अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी और कट ऑफ जो है इसका प्राप्तांक का इंतजार है। और 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें पहले उत्तर कुंजी मिल चुकी है, तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं पूरा ब्यौरा यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। ये साथ में जो आपने देखा समीक्षा अधिकारी RO और ARO के अंतर्गत एक खबर ये है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये रविवार को परीक्षा होगी, 11 फरवरी 2024 को जो रविवार को परीक्षा होगी, इन केंद्रों पर कराई जाएगी। पूरा लिस्ट यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। ये बात करें यहाँ पे BEd के जो आपने देखा हो एंट्रेंस जो होते हैं, तो यहाँ पर जो 10 फरवरी से भरे जाएंगे BEd प्रवेश परीक्षा के फॉर्म, तो यहाँ पे BU ने जो है वो जारी कर दिया विज्ञापन, 10 मार्च तक जो है भरे जाएंगे फॉर्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है अगर आप BEd करना चाहते हैं तो फॉर्म ये जो है 10 मार्च तक आपके लिए भरे जाएंगे। बात करेंगे इसमें UP SSC की तरफ से जो है ये आपका बंद दरोगा भर्ती का फिजिकल जो है ये वो कल जारी कर दिया है। इसका लिस्ट जो है इसका नोटिस आ चुका था कि बंद दरोगा भर्ती का जो फिजिकल है 12 तारीख से कराया जाएगा, 12 से 17 फरवरी तक जो लखनऊ में जो आयोजित की जाएगी परीक्षा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया इसमें परीक्षा का आयोजन जो है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो है कुर्सी रोड में किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसके बाद आपको अंतरिक्ष सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार को जो वेबसाइट पर जो है इसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए, प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आपके एडमिट कार्ड इसमें आ चुके होंगे। और आज 3 तारीख है और ये कल का ये नोटिस है, ये 2 फरवरी 2024 का देख सकते हैं। यहाँ पर जो एक पुरानी भर्ती थी तो यहाँ पर जो है उसका भी कट ऑफ हुआ है वो जारी कर दिया गया है। इसका नाम यहाँ पर दिया हुआ मानचित्र है ना, मानचित्रकार है ना, 39 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इंटरव्यू यहाँ पर लिस्ट वगैरह सब कुछ पूरा ब्यौरा यहाँ पर जो है वो दिया हुआ। 2 बड़ी खबर UP SSC से मैंने आपको दिखा दी। बात करेंगे यहाँ पर जो है संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक UP GEE के अंतर्गत जो है ऑनलाइन आवेदन जो उपलब्ध के संबंध में है यहाँ पे जो आवेदन कर दिए गए हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो है आपको करना क्या पड़ेगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा यहाँ पर जितनी भर्तियाँ सब फंसी पड़ी हैं है ना, आपका नया आयोग के चक्कर में फंसी हुई हैं। 5 फरवरी को हल्ला बोल होगा, यहाँ पर जो है बताया गया इसमें लखनऊ के अंतर्गत जो है 5 फरवरी दिन सोमवार के दिन यहाँ पर जो है SCERT लखनऊ के अंतर्गत सुबह यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर जो, और एक जो है वो 3 फरवरी के दिन धरना होगा यहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ पर जो है ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत सारी भर्तियाँ जो है वो फंसी पड़ी हैं। तो यहाँ पर 5 फरवरी दिन सोमवार के दिन जो है ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा, मेरे पास लड़के कटिंग भेज रहे हैं इस तरीके से। साथ में जो एक बात तो मैं जरूर कहूँगा यहाँ पर जो है ये यहाँ पर बताया गया इसमें जो है कि आपका जो फरवरी में सक्रिय हो जाएगा नया आयोग। एक बात बताइएगा लगभग जो है ये लगभग यहाँ पर बताया गया फरवरी चल रही है, यहाँ पर नया आयोग के गठन के इंतजार में अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में जो भर्तियाँ अटकी पड़ी हैं, आपने देखा वो कौन कौन से अटकी हैं, UP TGT PGT, यहाँ पर 2022 का भी एग्जाम नहीं कराया गया। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये यहाँ पर 2022 का जो अगस्त में पूरी हो गई थी, यहाँ भी एक जो है फॉर्म भरवा गई पर उसका एग्जाम नहीं हो रहा। उधर आपके इंटर कॉलेज के अंतर्गत एडेड कॉलेज के अंतर्गत जो है ये यहाँ पे आपकी क्लर्क भर्ती वो भी फंसी पड़ी है ना, उसी के चक्कर में मैं आपको बता रहा हूँ, टाइपिंग अभी
अभी किसी का रुका हुआ है, किसी का जो है आपका इंटरव्यू भी रुका हुआ है, तो वही चीज़ कह रहा हूँ पूरी तरीके से ठप है, जब तक नए आयोग के चक्कर में ही जो है बैठे रहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदक की जो है प्रक्रिया जो इसी माह के अंत में करा ली जाएगा। भाई एक बात बताइएगा, लोगों को जो है ये भाषण नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो आप देख लीजिए। और एक तरफ यूपी के अंतर्गत वैकेंसी नहीं आ रही, और दूसरी तरफ देख लीजिए यहाँ पर बिहार के अंदर 70,000 पदों पर जो है आपके तीसरे चरण की जो है वो भर्ती निकाली जाएगी। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर 70,000 पदों पर होनी है आपके तीसरे चरण की भर्ती। और लड़के जो है लगातार जो है 53 दिन से धरना दे रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो 6 लाख जो सरकारी नौकरी लोगों ने मिल रही, यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, है ना। यहाँ पर जो है रोजगार को लेकर जो है ये, पर अभी तक जो है इनके ऊपर आयोग जो है नहीं बन पा रहा, आयोग के लिए ही तो यहाँ पर ये लड़के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार जो है। अब आयोग जो कब बनेगा कुछ पता नहीं है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर ये बहुत बच्चे कमेंट करते हैं, सर आप जो है आप हमारे जो इस तरीके से कमेंट कर रिप्लाई करते, भाई वीडियो के माध्यम से मैं आपको कर देता हूँ, पर आप कभी वीडियो पूरा देखते तो है नहीं। गाजियाबाद में जो है आपने बताया कि आज में गाजियाबाद में जो आ गई है आपदा मित्र की वैकेंसी, है ना। आपने देखो कल का वीडियो में आपदा मित्र की वैकेंसी निकाली गई थी, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो है ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर निकाला गया तो कम से कम 26,000 रुपये सैलरी, लगभग 48 जनपदों में भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कल का वीडियो, कल शाम का वीडियो है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपदा मित्र भर्ती फॉर्म कैसे भरें, मैंने आपको बताया था। ये जो है ये ऑफलाइन भरे जाएंगे, यहाँ पर जो है सर आजमगढ़ में जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जो है किस चीज़ की वैकेंसी निकाली गई, भाई कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अंतर्गत शिक्षा विभाग में भर्ती आती है ये, मैं आपको दिखा रहा हूँ शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये आजमगढ़ में आप देख लीजिए, आजमगढ़ में भर्ती निकाली जा चुकी है। ये केवल कस्तूरबा गांधी में आपको चौकीदार चपरासी रसोईया, पर ये केवल महिलाओं के लिए है भाई, पुरुष के लिए भर्ती नहीं है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। हाँ आपकी वाइफ वगैरह हो या फिर आपके रिलेशन में कोई हो तो फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो चौकीदार की भी है, इसके बाद क्लर्क की भी वैकेंसी है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जो है ये। इस तरीके से बुलंदशहर से भी जो है आपदा मित्र वैकेंसी आ गई है, बिल्कुल करेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। पीलीभीत में भी आई 48 जनपद उत्तर प्रदेश के, आपने अगर मेरे ओल्ड वीडियो देखा हो और कल का वीडियो देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये कल शाम का वीडियो देख लीजिए, 48 जनपदों में जब भर्ती आ गई है ना, तो यहाँ पर 48 जनपद आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर सिटी कौन कौन सिटी में वो आपको सिटी मैं आपको दिखा दूंगा, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, और आपके सामने ही है ना। इसके बाद लिखा हुआ सर जो है आप तो भर्ती आई थी उसमें कितना वेतन मिलेगा, 26,000 रुपये। इसमें जो पुराने वाले लगे पड़े हैं आपदा मित्र भर्ती में जो है 26,000 रुपये उत्तर प्रदेश वो शासन की तरफ से उनको मिल रहा है, आई कार्ड दिया जाएगा इसमें जो है। इसके बाद यहाँ पर जो है अदर्श स्टेट की जो है बीच में यहाँ पे देख सकते हैं आपदा मित्र भर्ती यहाँ पर निकाली गई, ठीक है। मैंने आपको बोला जो इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पर इसके बाद आपदा मित्र सीतापुर में निकली है, बिल्कुल निकली है भाई, ऑफलाइन फॉर्म इसके भरे जाएंगे ऑफिस में जाके, जैसा रायबरेली मैंने आपको दिखाया था ऑफिस से, वैसे ही आप पता कर सकते हैं जाके, ठीक है। हाँ सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो है पैसे मांग रहे हैं कंपनी के द्वारा, आपने इंटर कॉलेज के अंतर्गत एडिट कॉलेज में जो है भर्ती आई थी जिसके अंतर्गत जो लड़कों से पैसों की डिमांड की जा रही है। मैंने बोला ना कि पैसे देने की किसी को जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो है मैंने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया भी था और कंप्लेंट नंबर भी आपको दिखाया था, मेरा ओल्ड वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर जो मैंने आपको कंप्लेंट नंबर दिया था कि वहाँ पर किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और ये घटना जो होती है वो भारी छात्रों के साथ होती है। अगर चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।